ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी यहियागंज लखनऊ का ये स्टैंड है। इसके साथ साथ जामा मस्जिद देखे न्यूज चैनल से सुनील राज। मैं खड़ा हूँ नादान सा मकबरा जो 1605 में निर्माण हुआ है। क्या आप देखते हैं कुछ बोर्ड लगे हुए पढ़ते भारत सरकार भारतीय पूरा तत्व संरक्षण ये बोर्ड लगा है। चलो इस मकबरे में करीब 3-4 सालों से ये पत्थर पड़े हुए हैं न खांसे कटे हुए हैं ये नहीं पता है और ये ना कोई बताने वाला यहाँ पर है कि इस पत्थरों को पुरातत्व विभाग क्या कराना चाहता है अपने। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा ये पत्थर लाए गए हैं जो विगत कई वर्षों से यहाँ पड़े हुए हैं। अभी तक इनमें कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है ना बताया जा रहा है कि यहाँ क्या होने वाला क्या इन पत्थरों का किया जाएगा। नादान महल शाह मकबरे में ये एक मजार दिखाई दे रही है। इस मजार के बारे में भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है कि इसका क्या इतिहास है किसकी मजार है। रिपोर्ट सुनील राजपूत। अब इस नादान साहब मकबरे की इस गार्डन में सुबह के समय कितने लोग आते होंगे? करीब करीब 100-125 लोग तो आते ही होंगे यहाँ पर। 100-125 लोग घूमने आते हैं टहलने के लिए आते हैं एक्सरसाइज के लिए आते हैं वॉकिंग के लिए आते हैं। अच्छा अच्छा लेडीज और जेंट्स दोनों होते हैं इसमें काफ़ी सारे लोग आते हैं इसमें। लेकिन जैसे कि आप सफाई देख रहे हैं ग्राउंड्स की यहाँ पर हाँ क्या हालात है यहाँ के ग्राउंड के और यहाँ पे आपको कोई कर्मचारी मिलता है विभाग का? कोई कर्मचारी नहीं है ना कोई गार्ड है ना कोई कर्मचारी। विभाग ने ये बताया है कि ये 2 कर्मचारी तैनात हैं एक परिचायक है। नहीं नहीं ना मॉर्निंग में दिखाई देते हैं ना शाम के टाइम में दिखाई देते हैं। अच्छा अगर इस बीच में अगर रहते हो तो नहीं बता सकते। ठीक है यहाँ पर एक मजार दिखाई दे रही है नादान साहब मकबरे के गार्डन परिसर में। आप हम आते हैं इनके बारे में क्या है तो भाई साहब इसके मजार ये मजार तो नहीं है मजार ही सही नहीं है। अच्छा अच्छा ये मतलब इसका क्या क्या चीज कैसे क्या है? अली छक्का ना मारना आइडिया नहीं है क्यों बनाया गया ये। अच्छा अच्छा क्योंकि ये अभी का ताज़ा बना हुआ है कुछ सालों पहले की बात है। आप कहाँ रहते हैं? टिकरगंज में। क्या शुभ नाम आपका है? नदीम। नदीम जी तो हमारे नदीम जी इस संबंध में भी कोई जानकारी नहीं दे पाए हैं इस जगह बारे में। नहीं ये तो कंफर्म है कि ये कोई बाजार नहीं है। हाँ ये कंफर्म बताया जा रहा है कि ये सेट टाइप का बना है लेकिन मजार कोई यहाँ पे नहीं बताई जा रही है। मजार जो है वो ये है साइड में जी अंदर मजार है और एक के उस साइड में मजार है। एक ये मजार दिखाई दे रही है जो हरे रंग की बनी है कुछ मकबरे और मजारे आगे बनी है कब्रें। यहाँ पर नादान साहब मकबरे के अंदर ये देख रहे हैं ये सब नया निर्माण है और ये निर्माण इसलिए किया जा रहा है यहाँ पर एक लगे कि ये मजार है कुछ और है ये सुन्नी बब बोर्ड के चेरे निगरानी में बताया जा रहा है। मन में मुतवल्ली जी से जवाब मांगा जाएगा कि इस 400 साल पुराने मकबरे का इतिहास क्या है और ये कब्रें जो बनी हैं मकबरा बना है इसके बारे में मुतवल्ली जी से पूछा जाएगा कि क्या ये उतनी पुरानी है
या इन पुरानी कब्रों में कोई एक कब्र है। यहाँ पर नादान साहब मकबरे के अंदर ये देख रहे हैं, ये सब नया निर्माण है और ये निर्माण इसलिए किया जा रहा है, यहाँ पर एक लगे कि ये मजार है, कुछ और है। ये सुन्नी वक्फ बोर्ड के जेरे निगरानी में बताया जा रहा है। इस संबंध में मुतवल्ली जी से जवाब मांगा जाएगा कि इस 400 साल पुराने मकबरे का इतिहास क्या है और ये कब्रें जो बनी हैं, मकबरा बना है, इसके बारे में मुतवल्ली जी से पूछा जाएगा कि क्या ये उतनी पुरानी है या इन पुरानी कब्रों में कोई एक कब्र है। ये गार्डन है और ये पुरातत्व विभाग के पंप है, ये सिंचाई के लिए बना हुआ है। और देखिए इस गार्डन की हालत और इसका पेमेंट पुरातत्व विभाग देता है, इसका बिजली का बिल। इधर से आओ और घूमो, कैमरे सामने आओ, अब आपको दिखाते हैं गार्डन का हाल। अब आपको दिखाते हैं गार्डन का हाल, बच्चे खेल रहे हैं, वर्ष पुराना है। इसका गेट बंद होने के कारण यहाँ पर्यटक पहुँच नहीं पाते, जैसे ये लगता है कि ये इधर ही रहो, जैसे ये लगता है कि मकबरा रहे एक मस्जिद। संगमरमर की बने ये लाल बालू पत्थर से सिख युक्त दो कब्रें हैं, जिनमें जिन पर कुरान की आयतें लिखी हैं। सज्जे और आधार देने वाले शाखाएं कोष्टक विभिन्न शिल्पकृतियों की अत्यधिक उत्कृष्ट है। एक ये काले काले रंग का बाबा हमें दिखाई दे रहा है जो इस परिसर में है, आइए इससे कुछ बातचीत करते हैं।